हम नवाज शरीफ नवाज कहते हैं नाजरीन और हजरात यहाँ पे आज मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे स्मॉग जो है ख़त्म हुई भी आज। हाय गाइस, आज हम लोग एपिसोड 2 कर रहे हैं स्पिल द चाय पॉडकास्ट की, और आप लोगों को शायद पता है कि मैंने एक्चुअली एपिसोड 2 और 3 और शायद 4 भी की हुई है पहले, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ना काम की नहीं थी। तो आज मैं यहाँ पर हूँ अपनी भांजी के साथ। हेलो, ये बद्रिया है और मैं ऐना हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता, यूजर नेम से तो पता चल गया होगा, बट खैर हाँ, ये मेरी एक्चुअल भांजी है, ये मेरी बहन की बेटी है। और और क्या तुम अपनी सारी लाती मिलती रही थी? अच्छा खैर गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारे साथ ना बचपन में बहुत फनी होता था, क्योंकि ये ना किसी को बताने नहीं देती थी कि मैं इसकी खाला हूँ। और तुम क्या कहती थी हमें? और मैं जब हम लोग याद करें, हम लाइक ऑब्वियसली हम एक जीतने लगते होते थे, तो मैं आप लोगों को स्पेशली पहले दिन कहती थी कि जाके किसी को बताना ना कि आप लोग मेरे खाला और हसन मेरा मामू है। और भाई जिसके साथ हमारी पहली एपिसोड थी, और हसन स्पेशली, एक तो हम लोग एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में, हम सब एक साथ हर चीज़ एक साथ करते थे, और वो स्पेशली जाके अपने दोस्तों को बताता था, यू नो लाइक मैं इसका मामू हूँ, और दैट वाज सो ऑकवर्ड। एग्जैक्टली, और ऊपर से आप सोचें हसन में और उसमें 21 दिन का फ़र्क है, और ये बड़ी है 21 दिन उससे, तो इट वाज जस्ट सो ऑकवर्ड। और खैर मेरे लिए तो नहीं होता था, मैं सबको बताती थी, सब मुझे कहते थे। अभी जब मेरे मतलब अभी मेरी ना बहन की बेटी पैदा हुई है, तो सब मुझे हो रहा था कि वाह मैं खाला, फिर मुझे हुआ एक सेकेंड क्योंकि मैं तो पहले की खाला हूँ, लेकिन ये क्योंकि हम लोग एक ही उम्र के, तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ना जैसे बहन भाई वाला सीन होता है वैसा सीन है। लेकिन अब जब मैं बच्चे को देखती हूँ, कहती हूँ ये भी मेरी भांजी है, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो जाता है। और हम लोगों की याद है, लाइक हमारी सारी टीचर्स को पता होता था आप मेरी खाला हैं, और लाइक जब भी हम लोग, जब भी हमारे कोई टेस्ट वगैरह बुरा होता था, मैं और हसन हम लोग सीधा ऐना की क्लास में जाते थे उसको बुलाने के लिए। आई कॉल हर ऐना खाला बाय द वे। हाँ लेकिन ना बहुत बुरा होता था, क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ जो कि बड़ों के उसमें भी फंसा हुआ, छोटों के उसमें भी, तो बड़ों के उसमें भी हिस्सा फंसी हुई, क्योंकि जिस तरह वो नहीं होता। मेरी टीचर्स मुझे कहती थी, क्योंकि मेरे एक भाई थे, वो भी उसी स्कूल से पढ़े थे, मेरी बहन भी, ज़रा सा कुछ मैं तुम्हारे भाई को बताने वाली हूँ, मैं तुम्हारी बहन को बताने वाली हूँ। स्पेशल भाई तो बहुत अरसे पहले ना, लाइक लेट्स से भाई आई थिंक 2001 में ग्रेजुएट कर गए थे, मैं 2015 में गई हूँ स्कूल में, दोबारा एडमिशन लिया ना स्कूल में, क्योंकि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। मैं गई हूँ, मेरी उर्दू की टीचर कहती है आप फहीम की बहन है। मैंने कहा नहीं, मैं अब क्या कहती, मैंने कहा हाँ। फिर बस मैं एक वही टीचर थी जिनसे मैं डरती थी, और किसी टीचर की मैं सुनती नहीं थी, लाइक मैं पढ़ती थी लेकिन मैं उसका सुनती नहीं थी किसी की। और जब मैं स्कूल में थी छोटे होते हुए, तो मेरी बहन और मैं एक ही स्कूल में होते थे, ज़रा सा कुछ हो हम जा रहे हैं कोमल को बताने, हम जा रहे हैं कोमल को बताने। तो इनकी बारी में ऐसा होता था कि वो मुझे बुलाते था, कि कहते थे ऐना तो ऐसी नहीं करती, ऐना तो एग्जैक्टली। और ऐना लाइक हर टीचर के साथ इतना अच्छे तरीके से रहती थी, और मैं और हसन इतना ज़्यादा, हम लोग टीचर्स से हमें इतना ज़्यादा ट्रोल करते थे टीचर्स के, ऐना तो इतनी अच्छी है, व्हाई यू गाइज़ आर सो रूड, या फिर व्हाई यू गाइज़ आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। और हालांकि ऐना हाला भी कोई घर में कुछ पढ़ती नहीं थी, लेकिन सम हाउ वो बहुत अच्छे नंबर ले लेती थी। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स को मेरे साथ हमेशा, हर फ्रेंड को मेरे साथ ये मसला रहा है। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं ना, सारे मुझे कहते हैं तुम पढ़ती, तुम जो है ना घर जाके छुप के पढ़ती हो। मैं कहती हूँ मैं तुम लोग इतनी मतलब लगती हूँ कि मैं घर जाके छुप के पढ़ूंगी तुम सबसे, क्योंकि होता यह था कि हम सारे स्कूल में चिलिंग कर रहे होते थे, और मैं तो एक दिन पहले पढ़ती थी एग्जाम से, मैं पास हो जाती थी, बाकी सारे जो है ना पास हो जाते थे, लेकिन थोड़ा सा जितना ईजिली मैं हो जाती थी उतना नहीं। तो वो लोग कहते थे यार ये बड़ी गलत बात है, ये भी ऐसे करती थी। मुझे नानो कहती थी लाइक ऑब्वियसली ऐना हला की अम्मी, तो नानो कहती थी कि मुझे तुम पढ़ो, और मैं कहती होती थी ऐना हला नहीं पढ़ी, मैं क्यों पढ़ूँ। मुझे हमेशा ना कंपेयर करती होती थी, यार वो पढ़ती नहीं है, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं अकेली क्यों पढ़ूँ। और मुझे हसन को ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, और वो भी हम लोग हर वक्त ऐना हला के साथ कंपेयर कर रहे होते थे कि यार वो खेल रही है, वो बैठी भी है, हम भी उसी तरह करेंगे। और somehow फिर वो अच्छे नंबर ले जाती थी, और फिर हम लोगों की शामत दोबारा आ जाती थी। फल्लाव यार, बचपन में ये सारा कुछ तो बहुत होता था मुझे स्कूल। और इसकी जितनी फ्रेंड्स थी, मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती होती थी जब तक हमें स्कूल में थी, तब तक मुझे इसकी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी अभी तक इसकी काफ़ी फ्रेंड्स जो है ना, मेरी बात होती रहती है और इसकी नहीं होती। और मैं इनको स्पेशली कहती थी कि मेरी दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं करनी आपने, और मैं इनको बताती भी नहीं, मैं अपने दोस्तों को बताती भी नहीं थी कि ऐना मेरी खाला है। और ये पता नहीं क्यों इनकी दोस्ती मेरी दोस्तों के साथ हो जाती थी, और फिर वो ज़्यादा इनके साथ अटैच हो जाती थी ना, तो सीनियर्स के साथ वैसे ही हो जाती है। हाँ, और फिर लाइक मेरी और उनकी ख़त्म हो जाती थी, और फिर ऐना और वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन के घूम रहे होते थे। इतना भी नहीं होता था, लेकिन होता ही था कि अब काफ़ी टाइम तो मेरी जो क्लास
क्लास में लड़कियाँ होती थी उनकी बहनें तुम्हारी क्लास में होती थी, ये भी होता था। या फिर ऐसा होता था कि जो सीनियर्स हैं ना उनको होता था, जूनियर्स उनको होता था कि हमने सीनियर से दोस्ती करनी है। तो स्कूल में तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे उस पर ना कि ओ अच्छा हम तो सीनियर्स, हम तो मैं तो मतलब मुझे वैसे ही नहीं होता, मैं तो हर किसी से वैसे दोस्त बन जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मेली वैसे भी ईजी होता था, और जूनियर्स को होता है कि ओ हमने सीनियर से दोस्ती करनी है, इस वजह से भी होता था। हमें नहीं होता था क्योंकि हमारे सीनियर्स ही सारे हमारी फैमिली होती थी, हम जितने सीनियर से भागते होते थे। हाय मुझे स्कूल की लाइफ बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। अभी ये जाती है BNU, इसने ना रिसेंटली इस साल एडमिशन लिया है, और मैं चली गई थी मैं पाकिस्तान कौन सी मैं छोड़ के चली गई थी टेंथ में। मेरे ना मैं टेंथ में गई थी, असल में वो मेरी बनती थी ट्वेल्थ, हाँ असल में वो मेरी बनती थी ट्वेल्थ, क्योंकि मेरी जो है ना पासपोर्ट पर जो एज है उसके हिसाब से UK में आपको देते हैं, आपका एडमिशन उसके हिसाब से होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप 2 साल आपको पीछे होना पड़ेगा क्योंकि आप इतने आगे क्यों हैं, लाइक ऐसा नहीं हो सकता। और मैं वैसे भी स्कूल थोड़ा सा जल्दी चली गई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं जल्दी चली गई थी। फिर टेंथ में मैं चली गई थी, और मैं स्कूल में बहुत अनसीरियस होती थी, मैं कहती थी मैंने हिस्ट्री नहीं लेनी, मैंने ज्योग्राफी नहीं लेनी, मैंने उर्दू नहीं लेनी, मैंने इस्लामियात नहीं लेनी, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट मैंने देने ही नहीं है बाहर। और वही हुआ, मैंने नहीं दिए बाहर जाके। तो खैर फिर हुआ मैं चली गई, और मुझे मेरा एक फेयरवेल नहीं हुआ, पहली दफ़ा जब फेयरवेल हुआ था तो आई थिंक हाँ मैं पहले फेयरवेल से पहले चली गई थी, मेरा एक फेयरवेल नहीं हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ आज तक। और मुझे बहुत ज़्यादा दिल था, बहुत ज़्यादा दिल था कि मेरी स्कूल लाइफ पाकिस्तान में हो। UK गई, मेरे GCSEs में काफ़ी अच्छे नंबर आ गए, A-levels में आई वाज लाइक नहीं मैंने नहीं जाना, और मेरे अब्बा ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि जाओ करो। आई वाज लाइक यार मैंने नहीं जाना, मैंने करना ही नहीं है, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने काम करना, मैं स्किल्स सीखी, मैंने नहीं पढ़ना। मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी साथ में, लेकिन पहला साल तो मैंने बहुत जो है ना बस गुजारे वाला किया। दूसरे साल में मैं एक्चुअली अच्छे नंबरों से भी पास हो गई थी, नहीं पहले साल में भी हो गई थी अच्छे नंबरों से, लेकिन हुआ ये था कि मेरे टीचर्स वर लाइक देवर बिट शॉक के तुमने क्या किया गर्मियों में। उन्होंने मुझे लिटरली बात बोली तुमने कोई ड्रग्स करके आई हुई हो जो तुम्हारे मार्क्स एकदम से ऊपर हो गए। ना था कि यार अब थोड़ा सा सेकंड ईयर थोड़ा सा फन था, तो फिर इसलिए जो है ना इजी रहा था मेरे लिए। खैर फिर इवन कॉलेज के बाद आई वाज लाइक मुझे पाकिस्तान भेजें, मैं कॉलेज के नहीं भी गई थी, लेकिन कॉलेज के बाद आई मुझे पाकिस्तान भेजें। तो मेरे पापा कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ पे फ्री में यूनिवर्सिटी है, हम तुम्हें यहाँ से भेज के पाकिस्तान में पैसे भी यूनिवर्सिटी कराएंगे। तो फिर खैर ज़बरदस्ती वो भी मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी में तुम्हें देती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी गई। यही हसन वाले पॉडकास्ट में मेरे साथ यही वो बेचारे मुझसे छीन रही हूँ। असल में ना हमारे पास स्टैंड नहीं है। खैर मैं ना गई पहले साल उधर, पहली दफ़ा जब मैं गई ना यूनिवर्सिटी, मैं और मेरी बहन थे, क्योंकि उसने भी 2 साल का गैप ईयर लिया था, हम दोनों इकट्ठे जा रहे थे। मैं गई, मैं घर आके रोना शुरू किया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना यूनिवर्सिटी। मेरा अम्मा ने कहा चुप करके, नहीं अम्मा ने भी कहा कि अगर नहीं जाना ना जाओ, मेरी बहन कहती है ना प्लीज़ बस मेरे साथ कर लो। खैर फिर मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी गई, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर यूनिवर्सिटी भी हो गई मेरी किसी तरह, एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं फिर पाकिस्तान आ गई। एंड नाउ मैं पाकिस्तान में, मैं कह रही हूँ यार मैंने BNU जाना है, जब अब हम तुम्हारे पर वापस आते हैं। मुझे काफ़ी अर्से से यूनिवर्सिटी का शौक था पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत मज़े की होती है, पढ़ाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन ना आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत सारा कुछ कराते हैं, बाहर ये सब नहीं है, बाहर सिर्फ पार्टी है, या तो आप पढ़ो या फिर आप साथ में पार्टी, मतलब आप साथ में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पार्टी इन्जॉय करना ना तो आपको पार्टी करनी पड़ेगी, एंड मैं पार्टी नहीं करती, तो मैं थोड़ा सा ना इस वजह से फंस जाती हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ, फाइनली मेरे 10 घंटे के ज्ञान के बाद अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा BNU का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक, और एडमिशन का बताओ कि तुमने एडमिशन कैसे किया था। यार मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ हुई थी पहले, तो लाइक मैंने तुम ना अपने टेस्ट का भी इनको बताओ कि लाइक हाँ। टेस्ट वगैरह देना तो उसकी कैसी प्रिपरेशन। अच्छा लाइक ऑब्वियसली इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता BNU का, somehow आप लोग एडमिशन ले ही लेते हो, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू होता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू करते हो, और जो इंटरव्यूअर आप जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना आपने उसको इम्प्रेस करना होता है, और अच्छे तरीके से आपने उसके साथ बात करनी होती है, थोड़ी सी अपनी जो लाइफ कॉम्प्लीमेंट जो आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपने किए हैं वो आप सारे उनको बता दें, वो वैसे ही आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइक इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, सही है। और जो लाइक रिटन जो होता है ऑब्वियसली बेसिक मैथ और यही सारा नॉलेज जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स इट। लेकिन मेरी लाइफ अभी तक तो हम नर्ड्स बने हुए पता नहीं क्यों, तो हो भी साइकोलॉजी में ना, तो हाँ सारा फन जो है सारा वो तो मीडिया वाले करते हैं अपेरेंटली। एग्जैक्टली हमारा लाइक आप साइकोलॉजी का सबसे नर्ड वो जो डिपार्टमेंट है वो साइकोलॉजी वाला होता है, और बदकिस्मती से हमारा मेन जो सेंटर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो भी साइकोलॉजी में ही है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा फ़ोरन करने भी नहीं देते अगर हम करना चाहें भी तो।
लेकिन इट इज़ फन, अच्छा है. BNU का ओबियसली एक नया हमारा इन्वायरमेंट है, और अगर आप BNU के अंदर चले जाओ तो नोबडी केयर्स आप जो भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो, लाइक वो कोई भी नहीं, कोई देखता भी नहीं है आपकी तरफ. सो इट इज़ फन. और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो सारे इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं. एग्जैक्टली, मैं पहले दिन गई और मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर पहले दिन आ रही हूँ. ऐसा लग रहा है वो सारी शक्लें मैंने पहले से ही देखी हुई हैं. इट वॉज़ तो अजीब सा भी था, लेकिन चलो, लाइक हमने उनको ऑब्वियसली हमने जाके उनके साथ वो कुछ पिक्चर्स तो नहीं ली, लेकिन हाँ अजीब था. ऑब्वियसली यार, अब उनके साथ पिक्चर्स लेना, दैट मतलब मेरे सामने से. अच्छा, एक्चुअली एक दो सेलिब्रिटीज हैं जिनको छोड़ के, एक्चुअली उनके बारे में भी मैं एक दफ़ा गई थी एक इवेंट पर, और उसमें एक लड़की थी, वो इन्फ्लुएंसर है, और मैं लिटरली मैं उसके पीछे, मतलब नॉट पीछे पागल, इस तरह मैं नहीं था पीछे पागल की थी, बट मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी. और ये मेरी सारी फ्रेंड्स को पता था. और मैं ना उस इवेंट पर गई, वहाँ पर इकरा भी थी, इकरा भी आ गई थी ना, तो उसने मुझे बताया था वो भी है यहाँ पर, जाके मिलो. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने नहीं जाना. मैं नहीं मिली. मैंने घर जाके उसको मैसेज किया कि ओ आई सॉ यू वो ना, लेकिन मैं मिली नहीं उससे, क्योंकि मुझे एकदम से हो गया था कि ओ वो भी हाफ पाकिस्तानी हाफ इंडियन है वो, और लेकिन वो पैदा साउथ अफ्रीका में. आई डोंट नो मैं उसको क्यों बता रही हूँ, खैर जो भी है, ठीक है. अच्छा, आपको याद है ना जब मैं लाइक हमारे बचपन के टाइम पे मैं बहुत ऑब्सेस्ड होती थी OB से, और आप और कोमा हाला उससे मिले थे, और दैट इज वो सिर्फ एक बंदा था जिससे मैं ऑब्सेस्ड थी, और लाइक वो और एना हला जाके उसके साथ मिलके, उसके साथ पिक्चर लेके कोमा हाला और एना हला ने मुझे दिखाई, भेजी, स्पेशली मुझे भेजी, और मुझे इतना जेलस करवाया था. उसके बाद मैंने आज तक मैं किसी के साथ कोई फ़ैन मोमेंट नहीं हुआ, मुझे कोई बंदा पाकिस्तानी या बाहर का भी लाइक कोई भी नहीं अच्छा लगता, सीरियसली. मुझे तो देर आर फ्यू सेलिब्रिटी जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो एक्चुअली आई वुडंट से दैट. अच्छा, मैंने कोई और बात करनी है. अच्छा हाँ, मैं ना काफ़ी अर्से बाद माइक को इस तरह पकड़ के बात कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना उस तरह फील नहीं हो रहा जैसा मुझे पहले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुई थी, और ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मुझे कहा भी प्रेजेंटेशन दो, तो मैं भी ऐसी फील आ रही है. मेरे सब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये बहुत अजीब सी ही कोई फीलिंग है मेरे पास. लाइक मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ. इट इज़ सो ऑकवर्ड. तुम बेशक पीछे हो जाओ, क्योंकि मेरी तो कमर थक गई है. हाय, मैं तो थक गई रे. हाँ यार, हाँ तो हो जाता है, पता है पहली दफ़ा स्पेशली जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा. मैं जब पहली दफ़ा मैंने जो पहली एपिसोड फिल्म की थी, मैं और हसन बैठे हुए थे गाड़ी में, और हम लोगों ने ना ब्लूपर फिल्म किया था, और वो भी मेरे फ़ोन से फिल्म किया था. उसके बाद हम लोगों ने फिल्म किया था, और उसमें वो सिर्फ इसलिए चला था क्योंकि बोली ही लाइक लिटरली बोली मेरे थी हसन हर 5 मिनट बाद मुझे. खैर वो लेता भी था तो मैं छीन लेती थी उससे माइक, लेकिन अगर वो ले भी लेता ना, वो बस ये कहता था ये सबसे फालतू बात कर रही है. वो ऐसी बात करता था, फिर वापस देता था माइक. और हमारे घर में सबसे ज़्यादा बोलती भी आप है. लाइक मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे पता है. मैं किसी के साथ भी आप लाइक मुझे देख लोगे, मैं कभी भी किसी के साथ बहुत फ़न करते हुए आपको कभी नहीं नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा. और एना हला बहुत अपोजिट है, बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है, और ये हर वक्त बोलती रहती है. मैं एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हूँ बदर, लेकिन मेरे साथ ये होता है, एक सेकेंड, मैं एक्स्ट्रोवर्टेड नहीं हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँगी, एक दफ़ा एक जगह पे मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, ओह हो, फिर तो जो है मैं चुप नहीं होती ना. लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं काम पर होती हूँ ना, खास करके जब मैं अपने ऑफिस में होती थी, तब थोड़ा सा अलग सीन होता था, क्योंकि थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं यार पूरे दिन बोल बोल कर थक जाती, फिर मैं उनको कहती थी अब साइड पर हो जाओ यार, अब मुझे जगह दे दो, अब मुझे अकेले बैठने दे दो. और आपके साथ बात करते हुए भी इतना डर लगता है कि यू डोंट नो कि ऐना लगे किस टाइम बस हो जाएगी और आपने किस टाइम यहाँ से चले जाना है, तो आपको बहुत देख देख के ऐना लगी शक्ल देख के आपसे बात करनी पड़ती है कि अनएक्सपेक्टेड जो है ना एकदम से रैंडमली जो होगा. अभी इवन बच्चे होंगे ना, एक सेकंड में शायद मैं उनके साथ बहुत प्यार करूँगी, अगले सेकंड छोटी सी अभी उससे टूथब्रश पे मैंने जा रहा कुछ सोहा को इतना अच्छा सोहा है ना मेरे भाई की बेटी, उसने ना मेरे टूथब्रश यूज़ कर दिया ना, तो अब हालांकि मुझे इतना गुस्सा नहीं चढ़ता, लेकिन उस वक्त पैकिंग करती है ना, वे जस्ट वेरी ओवर स्टिमुलेटेड, तो मुझे इस वक्त इतना गुस्सा चढ़ा, मैं उसको पकड़ के किया सोहा मेरा टूथब्रश, फिर मैंने टूथब्रश फेंक दिया. अब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, टूथब्रश इतनी मतलब कोई, मेरे पास दूसरा स्पेयर भी पड़ा हुआ घर पर, और मैं लिटरली मैंने वो निकाल दिया. लेकिन कभी कभी बिल्कुल रैंडमली जो है ना मेरा हो जाता है थोड़ा सा दिमाग मीटर फिर जाता है. और इट्स नॉट लाइक कि हम बच्चों को ये बात पता है, ये हमारे पूरे खानदान को ये बात पता है, और पूरा खानदान हमारा. तुम्हें पता है अबू ने मुझे क्या कहा था कोमल अभी की शादी के टाइम पे? अबू मुझे शादी के टाइम पे कहते हैं, अबू ने मुझे अलग
ये सब सब मेहमानों के आने से पहले अब ने मुझे अलग किया था। अब वो मुझे कहते हैं ना देखो मेहमान आ रहे हैं, ये ना कि तुम किसी से किसी को किसी आंटी को डांट ये ना कि तुम किसी आंटी को डांट दो किसी बात पे, कभी कभी कुछ कोई कोई चीज़ हो जाती है माफ़ कर देते होते हैं। अब ने मुझे अलग करके इस बात समझाई थी स्पेशली कि ना कि तुम किसी को कुछ बोल दो यार। लेकिन ना मुझे उलझन होती है फिर, मैं कहती हूँ कि अगर एक चीज़ नहीं करनी तो फिर वैसी चीज़ें क्यों करो। लाइक मैं अपने काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ, जैसे मेरा बाथरूम हो गया तो मैंने अब को मना किया था, मेरे कमरे का बाथरूम शादी के दौरान सिर्फ मेरे कमरे का बाथरूम बंद था। और एक दफ़ा कोई चला गया था एंड आई वाज अबाउट टू लूज माई माइंड, वो तो फिर मेरी कज़न थी वहाँ पर एंड शी स्टॉप मी, उन्होंने कहा था यार देखो कुछ नहीं होता वो बड़े हैं ये है ना सर। अच्छा लाइक ऑब्वियसली हर किसी का एक वो पॉइंट होता है जब वो थोड़ा सा ट्रिगर हो जाता है, बट फॉर मी अगर कोई बंदा कोई मेरी चीज़ ख़राब कर देता है मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और अगर करती भी हूँ तो वो सिर्फ एक नानों के सामने कर सकती हूँ, उस बंदे के सामने नहीं कर सकती। तो ऐना हालत थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हाँ, है इन चीज़ों में, मैं हूँ एक्सप्रेसिव लेकिन ना मुझे चीज़ों पर उस तरह नहीं होता। सिंस सोहा के टूथब्रश पर हुआ था लेकिन टूथब्रश पर भी मुझे गुस्सा नहीं, मुझे था कि मैं पैकिंग करती थी मुझसे तंग आ गई थी, लेकिन ना जिस दिन ज़ारा ने मेरी एक वो जो क्रीम कर ली थी मुझे उस पर थोड़ा सा अच्छा खासा दिमाग खराब हुआ था क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड आई एम ब्रोक। लेकिन उसके अलावा मुझे वैसी चीज़ों पे मुझे भी नहीं होता क्योंकि मैं कहती हूँ यार इतना। लेकिन आपका होता है कि लाइक जब आपका मूड अच्छा होता है ना यू आर वेरी फ्रेंडली। लाइक मैं अब बचपन की बात करें, हम लोग स्कूल एक साथ जाते होते थे और मैं और ऐना हाला लाइक पूरे स्कूल के आगे घर में गॉसिप करते होते थे कि आज हमारे साथ ये हुआ है, आज मेरे साथ ये हुआ है, आज मैंने उस बंदे के साथ ये किया है, हम लोग हर चीज़ करते हैं। बट वही बात है कि ऐना हाला का मूड पे डिपेंड करता है कि किस टाइम अच्छा है। ऑनेस्टली मेरे मूड पे डिपेंड करता है मेरा तो खैर मैं ना बचपन में बहुत बचपन में क्या जब तक यूके गई थी ना तब तक मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड थी, फिर यूके जाके मैं इंट्रोवर्टेड हो गई थी आई थिंक कि ना मेरी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो गया था शायद इस वजह से। हालांकि इट्स नॉट लाइक आई डेंट हैव फ्रेंड्स देयर, मेरी फ्रेंड्स भी थी लेकिन ना आई डोंट नो क्या हुआ इवन। अच्छा खैर मैं डिपेंड करते मेरे कोई कोई फ्रेंड्स का साथ मैं अभी भी बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो जाती हूँ इवन यूके में। लाइक मैं कोई कोई मेरे फ्रेंड्स हैं ना अगर वो उधर होते हैं तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड होती हूँ, लेकिन फिर वो जब नहीं होते तो फिर मेरी अपनी नॉर्मल वाली पर्सनैलिटी जो है ना इंट्रोवर्ट वाली वापस आ जाती है। बट आप यूके जाने से पहले ना यू वर लाइक फ्रेंडली वो जो नहीं होता वो वाली थी, बहुत कम होता था रियली। अच्छा मुझे जब तक क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं थी लाइक थोड़ी सी छोटी ही थी लेकिन मुझे हाँ हाँ तब भी बहुत खराब हो गया ये मेरा बचपन का है। लाइक कोमा हमारी ऐना हाला की एक और बहन है ऑब्वियसली पता होगा, तो लाइक उनके साथ ना मेरी और उनकी इतनी नहीं बनती थी लेकिन मेरी और ऐना हाला की बहुत बनती थी तब यूके जाने से पहले। फिर यूके जाने के बाद ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, हर चीज़ हो जाती है, इतना अपना अपना बंदा अपना अपनी रूटीन में आ जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं रहा लेकिन है है। हाँ कोमल अभी के साथ तो तुम्हारा और कोमल को इतना नहीं है। हाँ मैं एक दफ़ा तुम्हें बोल दूँ देख कर बात करना जो आगे करनी है पता चले मुझे। नहीं कोमा हाला की याद है एक दफ़ा कोमा हाला मुझे पता नहीं मैंने बदतमीजी की थी ऑब्वियसली लाइक वो बड़ी थी मैंने उनके साथ बदतमीजी थी शी वो आ रही थी मुझे डांटने के लिए और मैं उनसे डरी और मैं सोफे के बीच में मैं सोफे के बीच में गिरी हुई थी और कोमा हाला ये नहीं कि मुझे मेरी मदद करे वो मुझे देख देख के हंस के पागल हो गई है। ओ ये वाली बात मैंने भी सुनी हुई है, ये मुझे याद नहीं है लेकिन ये मैंने सुनी हुई है। हाँ शायद मैं नहीं हुई होंगी। हाँ आई कैन नॉट बिलीव मेरी फैमिली के ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए जहाँ पे मैं नहीं थी। व्हाट डू यू मीन मैं क्या मतलब मैं मेरे घर में चीज़ें मैं नहीं थी उधर। अब जैसे शाल जब पैदा हुई थी मेरे भाई की बेटी मैं नहीं थी, मेरे भाई को मेरे बड़े भाई के जो तीसरा के चौथा बच्चा है वो जब पैदा हुआ था अब तो ये भी नहीं अब तो काउंट भी भूल जाती है। हमारे घर में बहुत बच्चे हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो खैर हाँ बताओ बच्चों के साथ इज़ लाइक कि अब ना हमारे आसपास इतने बच्चे हैं कि हमारे बचपन से ही हर वक्त कोई ना कोई बच्चा है, तो अब जिस घर में हम जाते हैं ना जहाँ पर बच्चे नहीं होते हमें थोड़ा सा ना अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता बच्चों के साथ। मैं पागल हो जाती हूँ इसलिए तो मैंने बिल्ले रखे हुए थे और वो मेरे अब्बू जो है खैर उनका मेरे अब्बू को बिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, दो रखे थे वो अब्बू को पसंद नहीं आए क्योंकि वो अब्बू को बहुत तंग करते थे। उसके अलावा नाना अबू वो वाले इंसान हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई चीज़ रखनी नहीं और फिर जब कोई आ जाती है उसकी इतनी ज़्यादा अभी मुझे फ़ोन करके कह रहे होते हैं अबू के सॉरी ब्रदर एक सेकंड अभी भी अबू मुझे फ़ोन करके कह रहे होते हैं कि ये बिल्ले को तुम दे दो ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब बिल्ला आता है उधर एक दफ़ा तो मैं पता अबू ने बिल्ले को बिल्ले ने अबू को मारा है इतने जोर का और अबू गिरे नहीं अबू नहीं नहीं ऐसा हुआ है कि अबू ना बिल्ले के बिल्ला कुछ करते तो अबू बिल्ले के पीछे जा रहे थे और अबू गिर गए और अबू को तुम्हें पता है ना बैक एक है बहुत ज़्यादा तो अबू गिर गए अबू को अबू मतलब खैर है बिल्ले की वजह से गिरे अबू को फिर है कि खैर है मतलब बेचारा बिल्लू
जब ऐसे हरकतें करते हैं और जब कोई बिल्ला आ जाते हैं ऐसे एग्जैक्टली सुबह 5 बजे उठ के उसको दरवाजा खोलते हैं कि वो सो भी रहे हो दरवाजा, और नानो और नानो को याद है वो जो नानो को उनके हाथ पे बिल्ले ने मारा है आपके बिल्ले ने, वो बेचारी है। तो मतलब ये दोनों ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं कोई चीज़ नहीं आ रही, जब आ जाती है तो ये लोग बस उसके साथ ऐसे करते हैं। मैं बिल्ला छुपा कर लाई थी उनसे। याद है आपको नानो ने भाईजान को घर क्या किया था, जब हमारे घर में एक उनने पपी लेके आए थे जो छत पे था, नानो ने उनको पकड़ के मारा था, ये क्या किया था? अम्मी को कुत्ते नहीं पसंद। मैं एक दफ़ा लेकर आई थी, ओ मैं स्कूल के टाइम मेरी जेनी बेचारी कुछ हुआ था, मैं बताती हूँ। वो थोड़ी सी अलग कहानी है। हुआ ये था कि बता तुम भी थी लेकिन तुम स्कूल में घर तुम तब शायद स्कूल नहीं गई थी, हम स्कूल में थे। मेरे मुझे ना घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, तो अब तो मैं बड़ी हो गई, अब तो खैर कोई कुछ कहता नहीं है, कभी इजाज़त नहीं देती, कभी कोई कुछ कहता नहीं है, तो उस तरह वाला सीन नहीं है। लेकिन ना तभी होता था कि आई वॉज़ नॉट अलाउड टू मीट माई फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ स्कूल एट ऑल अनलेस वो मेरे घर आए, ठीक है, या फिर अनलेस एक फ्रेंड थी जिसके घर में कभी कभी जा सकती थी, ठीक है, उसके अलावा अनलेस या फिर आप बदर को साथ लेके जाओ, नहीं नहीं इवन तब नहीं अलाउड होता था। जब अपनी फ्रेंड उर्वा के साथ मिलने जाती थी नानो ने पकड़ के, वो तो उर्वा थी तो फिर कोमल वो करती थी, अलाउ करती थी, वरना उर्वा ना होती तो तुम वो कोमल भी तब भी अलाउड ना होती। तो खैर हुआ ये कि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था, मैंने भाई को बोला कि मेरी ना फ्रेंड है वो मुझे कुत्ता दे रही है, तो आप ना पपी था छोटा सा वो आप मुझे आओ चल के ले दो उसको, मेरे भाई को बहुत पसंद है और मेरी उस भाई के साथ बिल्कुल नहीं बनती, लाइक बिल्कुल भी नहीं बनती। तो मैंने उसको बोला ना तो कहता अच्छा चलेंगे चलेंगे चलेंगे, 2-3 दिन मैंने बोला था, वो कह रहे थे अच्छा चलते हैं चलते भाई जान, कह रहे थे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, फिर मैंने देखा तो जा ही नहीं, फिर मैं छुप के चली गई स्कूल के बाद, स्कूल के बाद छुप के चली गई, आए तो आके देखती हूँ आगे भाई जान गुस्से में खड़े हुए, किधर थी तुम, मेरे हाथ में कुत्ता, मैंने कहा मैं कह तो रही थी, खैर कुत्ते को देखे बच्चे लोगे थे। हाँ। फिर इतना मस्त होता, फिर मैं चली गई थी ना उसके कुछ अर्से बाद में चली गई थी, तो इन्होंने कुत्ता पीछे साइड उन्होंने क्या किया, खैर बदर। लेकिन भाईजान लाइक भाईजान असाइड जो भी हम उनके साथ लड़ते हैं वगैरह करते हैं, जो भी हमें वो बचपन में कहीं जाने नहीं देते थे, लेकिन याद है लाइक जब वो हमें पिक करने आते होते थे और पूरी चिल्ड गाड़ी करके और फिर हाँ और फिर लाइक हमारे लिए छली हमारे उधर CCI के सामने से छली मिलती थी, उसमें बड़ा मजा आता था। खैर ये हम बहुत ज़्यादा रेमिनिसिंग कर लिया अब हमने, और व्यूअर्स कहेंगे हम लाइक अब उन्होंने कहना कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या पॉइंट है। अच्छा खैर मैंने ना डिस्कस करना था गर्ल मैथ, मैंने डिस्कस करना था गर्ल मैथ, और ये मुझे तुम पीछे हो जाओ बेशक मुझे तुम्हें देखे अपनी कमर में दर्द हो रहा है। हमारे एक अंकल है वो मेरे ना पापा हैं, वो ऐसे करके चलते और ऐसे करके बैठते हैं, वो लिटरली ऐसे करके बैठते हैं। और एक दफ़ा ना उन्होंने क्या किया कि तब मैं और मेरा भाई ना छोटे छोटे थे, 9-10 के होंगे, मेरा अब्बा ने कहा कि तुम हम लोग कश्मीर पहुँचे ना, तो उन्होंने हमें कहा कि जब गाँव गए अपने, तो मैं पता ही बात उन्होंने मुझे कहा कि मैं आगे बैठता हूँ तुम दोनों मेरे साथ हो तो तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो ना, हम उनके साथ गए अब्बा के साथ, तो जब गया बाबा के साथ तो आगे से ना अंकल आगे तो वो हमारे पापा जो हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप पीछे बैठ जाएं बच्चों के साथ, वो लिटरली पता है ऐसे करके बैठे ऐसे ऐसे, और मैं और हसन पीछे हम लोग लिटरली हम जो है ना फिस के क्या कहते हैं इसको फिस के थे, हाँ हम पीछे लिटरली फिस गए थे ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे सारा टाइम, और उनकी जो कमर है ना मुझे उनको देखे इतना दर्द होता अपनी कमर में, उनकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा लगता है कोई रॉड ढाला हुआ है अंदर, बिल्कुल कसम से। खैर एनीवेज गर्ल मैथ पर आते हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि हम लोग गर्ल मैथ डिस्कस करते हैं, तुम्हारे क्या ख्याल आते हैं गर्ल मैथ पर, डू यू थिंक इट एग्जिस्ट? फॉर मी इट डज ऑल द टाइम, कि मेरे घर वालों को भी अब ये बात पता चल गई है कि अगर मैं उनको कहती हूँ ना कि कोई चीज़ 2000 की है तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि 2000 से अबव 500-600 कुछ ना कुछ होगा, तो फॉर मी जो अगर 2000 या 3000 के ऊपर जो लाइक नंबर्स होते हैं ना वो मैं काउंट नहीं करती, वो लाइक वो फ्री के पैसे होते हैं, वो इवन अगर वो 2900 है तो वो 2000 ही है, वो नहीं है 900, वो 900 इंक्लूडेड नहीं है, और ये बात नेगेटिवजी को ये बात 3000 एग्जैक्टली सारे यही करते हैं, लेकिन फॉर मी पता नहीं मेरा ब्रेन रजिस्टर ही नहीं करता 900 को, वो कहता है कि ये सिर्फ 2000 है, तो अब मेरे घर में हर बंदे को ये बात पता चल गई है तो वो मुझ पर लाइक इतना बिलीव नहीं करते उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ है इसके ऊपर, हद होती है वैसे। अच्छा गर्ल मैथ में ना मैं क्या करती हूँ, मैं जब कोई चीज़ लेती हूँ ना तो मैं ऐसे सोचूँ कि अच्छा मेरी ना अभी सैलरी या फिर अगर मेरी पॉकेट मनी आ जाएगी हो जाएगा ना, अभी मैं लेट्स से मैंने अपना फ़ोन ख़रीदना, ठीक है मैं फ़ोन ख़रीदूँगी और मैं कहूँगी यार ये मुझे ना अच्छा मैं बल्कि असली एग्जांपल देती हूँ, मेरी बहन ने ना गए मेरी बहन के शॉपिंग पे उसका बहुत ज़्यादा बिल आ गया, तो कहती यार मैं क्या करूँ मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी इधर नहीं, कहती है ये क्या करूँ मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया इतना तो मुझे नहीं करना चाहिए था ना,
तो मैंने उसको बोला यार तुम इतनी टेंशन ना लो, तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो आगे तीन चार पॉकेट नहीं तुम आगे एक साल की पॉकेट मनी इसको सोचो ठीक है, और सोचो कि उसमें से तुमने बस एक सर्टेन बहुत छोटी सी अमाउंट जैसे लाइक 1000-2000 निकालना और वो पूरा हो जाएगा उस तरह, वो उस तरह अगले एक साल में पूरा हो जाएगा, वो अलग करती रहना तुम्हारा एक साल में पूरा हो जाएगा। ऑब्वियसली आई नो कि उन्होंने अलग नहीं करना ठीक है, लेकिन वो जो है ना एक बंदे को तसल्ली देने के लिए हाँ एक्चुअली दैट मेक सेंस। अच्छा कोमाला इज लाइक हमारे घर की वो जो सेविंग वाली वो लड़की थी ना, उनके पास हर वक्त कोई ना कोई सेविंग होती थी, और हाँ वो अभी भी वैसी हैं। मैं तो बहुत बुरी हूँ सेविंग में हर चीज़ में, लेकिन मेरा एक गर्ल मैथ का एक ये भी है कि इफ़ आई स्पेंड माई मनी ऑन माई क्लोथ मैं अर्न कर रही हूँ, और अगर मैं खाने पर लगा रही हूँ तो वो मैं वेस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा एक बहुत अजीब सा एक कोई सीन है, आई फील गिल्टी जब मैं अपने खाने के ऊपर पैसे यूज़ करती हूँ, बताए, और जब मैं जितने मर्ज़ी कपड़े ले लूँ जितनी मर्ज़ी ज्वेलरी ले लूँ, शूज़ के ऊपर नहीं करती, लेकिन मैं ये अगर ये चीज़ें ले रही हूँ तो मैं इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा मुझे खाने के साथ होता है कि इट्स माय इन, क्योंकि मुझे होता है कि यार अब मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो फिर मैं सही, सॉरी मुझे होता है कि जब मैं कोई चीज़ खा रही हूँ सही करके खाऊँ, लाइक मैं ये मुझे आदत अबू सही भी है कि तमाम के साथ अच्छा सा लाइक सही करके लाइक एहतमाम के साथ ना, एहतमाम क्या होता है, एहतमाम होता है, क्यों नहीं ठीक किया तुमने मुझे, तुमने तोड़ तो भी की हुई है, मैंने नहीं की हुई। मेरी उर्दू के पेपर ना, मेरी उर्दू का पेपर देख के मुझे टीचर कहती थी कि ये कोई हमारे घर में हमारी क्लास में कोई पठान है, और मेरी इतनी बुरी उर्दू थी लिखने में तो काफ़ी रेसिस कमेंट करती है उन्होंने। खैर क्या कहते हैं, मैं क्या कहती हाँ तो खैर मैं मुझे खाने पे स्पेंड करते हुए बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे किस चीज़ पे बुरा लगता है एक्चुअली, मुझे किसी चीज़ पे नहीं, मुझे बहुत बुरी स्पेंडिंग की आदत है। मुझे ना सब लोग मुझे कहते थे ऐना जब तुम जॉब स्टार्ट, क्योंकि मैं पहले अपने पापा से बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी ठीक है, मैं हर वक्त उनसे पैसे ले रही होती थी, और मैं ना घर में एक बाकी सब थोड़ा सा ना देख देख के लेते थे, लेकिन मैं कहती थी अबू प्लीज़ देखे मुझे ये लेना है। जब मेरी बहन ने जॉब स्टार्ट की ना, वो जो चीज़ें लेती थी मैं वही चीज़ें अब्बा की मिंदे करके देखे अबू प्लीज़ देखे मुझे ये चाहिए, और फिर मैं चिपक जाती थी, मैं सिर्फ अपने अबू के साथ चिपकती थी, वो दे देते थे। तो मुझे सब लोग कहते थे कि देखो है ना ऐश जो है ना बाप के पैसे से होती है, जब बंदा अपने कमाना शुरू हो जाता है ना तो तब कोई ऐश नहीं होती। जब मैंने अपने पैसे कमाना शुरू किया मैंने कहा ये तो झूठ है, ऐश अपने पैसे से होती है, बाप के पैसे का तो हिसाब देना पड़ता है। जब अब्बू से पैसे आते हैं आपको बताना पड़ता है मैंने इधर खर्च किए, लेकिन जब अपने पैसे होते हैं नो वन केयर्स, क्योंकि आपको होता अच्छा खैर है आगे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा चिल सीन है, आई एम सो ग्लैड। बहुत सारे मसले होते हैं जब आप लड़की होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल मसले हमें नहीं होते, आई एम सो ग्लैड। क्योंकि मैंने देखा है ना काफ़ी लड़के मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन आई एम लाइक एटलीस्ट यार हमें चाइल्ड बर्थ सफ़र करनी पड़ती है, हमें मंथली सफ़र करना पड़ता है, हमें हर वक्त सफ़र करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो भी करें, लेकिन आई एम सो ग्लैड आई एम नॉट अ बॉय। बट लाइक आप कह रही थी कि आप नाना अबू से ले लेती थी ना, तो आपके पास हमेशा एक वो वे होता था कि आप ले लेती थी। फॉर अस कि हमारे पास ना हमें होता था कि या फिर आपसे बात करनी पड़ती थी या नानों से बात करनी पड़ती थी कोई भी चीज़ के लिए, कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ कहीं जाना है, हम हमेशा ऐना हालों को आगे करते होते थे। इवन नानो याद है, नानो पहले एग्जैक्टली नानो हम लोग कहते होते थे ऐना हाला नानो बस ही सही बात करती है तो हम ऐना हालों को आगे करेंगे। मैं अपने पापा की फेवरेट हूँ, पापा की प्रिंसेस हूँ, वो अलग बात है कि पापा की प्रिंसेस की हर रोज़ लड़ाई हुई होती है, लेकिन मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ। यू गाइस आर सो अलाइक हर चीज़। अबू यही बात बताई, इस बार मेरी अबू के साथ हुई ना लड़ाई, तो खैर उसके बाद अबू मुझे कह रहे थे ना मैं और तुम तो बिल्कुल एक जैसे, हम क्या ही करेंगे। मैं और मेरी पापा की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक है। खैर मुझे और गर्ल मैथ के एग्जांपल्स भी दो। आप थोड़ी थोड़ी पता है इवन लाइक थोड़ी थोड़ी शक्ल से भी मिलती है, नानों से भी मिलती है, लेकिन आप नाना अबू से भी बहुत मिलती हैं। मेरी शक्ल डिटो अम्मी जैसी है, लेकिन अब्बू की भी बहुत ज़्यादा जो है ना फील आती है। अब हम लोग फील को कश्मीरी में पहाड़ी में हम लोग फील को एक चीज़ कहते हैं, जैसे वाइब आती है ना हम उसको, हम ये भी बोलते हैं क्या, हाँ पांध कहते हैं, आनवार कहते हैं, जो वाइब होती है ना तो उसको हम ये भी कहते हैं कि जैसे पांध हो गई है या आनवार, आन जो शक्ल में होती है ना आनवार कहते हैं। खैर गर्ल मैथ का और एग्जांपल्स हो तो मुझे वो क्यों कर रही हूँ, मैंने और इतने ढेर सारे एग्जांपल्स सोचे थे मुझे याद ही नहीं आ रहे। और क्या होता है यार क्या पता, खैर मुझे ये होता है कि लाइक अगर आप ना, मेरी तो जो मेन था मैंने आपको बता दिया, मेरी गर्ल मैथ खत्म हो जाती है। मेरा ये होता है कि जब तक मैं दिन में ना निकलूँ और मैं एक ट्रीट ना लूँ, ये भी मेरे गर्ल मैथ का हिस्सा है, जब तक मैं एक कोई चीज़ खाने की ना लूँ मुझे पूरा दिन मेरा वॉलेट इच करता रहता है कि क्या किया है, खाली कैसे आ गई हो तुम। मैंने जिंदगी में एक ही दफ़ा बाहर गई थी, वो भी रिसेंटली इस बार आने से पहले, एक ही दफ़ा बाहर गई थी खाना नहीं लिया, मैं हमेशा लेती हूँ, और मुझे ये भी होता है। मेरी गर्ल मैथ एक ये भी है कि इफ़ आई एम हैविंग अ बैड डे तो ऑब्वियसली मुझे अपने आप को एक कोई ना कोई चीज़ ट्रीट करनी पड़ती है, बेशक वो
कोई किसी भी चीज़ से, मतलब खाना हो गया, कपड़े हो गए, ज्वेलरी होगी, कोई ना कोई चीज़ मुझे लेनी होती है, फिर जाके वो मेरा लाइक मूड ठीक होता है। हालांकि ऑब्वियसली वो हमारे ही पैसे जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें एक ट्रीट मिल रही होती है अपनी तरफ से। जब मैं खुद ये बात मानती हूँ कि जो गर्ल मैथ है ना, इसमें मैं भी ये यूज़ करती हूँ कि जब मेरा मूड ख़राब होता है ना, तो मैं बाहर से, और मुझे अगर बहुत बुरा फिर मैं कहती हूँ यार खैर इन्वेस्टमेंट है, थेरेपी है, ये मेरे थेरेपी के पैसे हैं। हाँ, उसके अलावा हम अपने घर की ये बात कर सकते हैं कि हमारे घर में हर कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मूविंग पास्ट दैट, ऐसी बातें नहीं करते होते। खैर, मैं गर्ल मैथ, मुझे एक और याद आई थी। हाँ, तुमने घर का बोला था ना, मुझे एक बात ये भी याद आई थी घर की, कि जब हम लोग चीज़ें लेते हैं ना, मतलब तुम ऐसे करके अच्छा मुझे पता चल गया। अच्छा खैर, हम जब ना चीज़ें लेते, मेरी एक और गर्ल मैथ थी है कि क्योंकि मैं घर की ग्रोसरीज वगैरह नहीं लेती, ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं घर में कोई एक चीज़ ले ना, मुझे ऐसा फील होता है कि सारी ग्रोसरी मैंने की, इधर नहीं जब मैं उधर अब्बू के साथ करती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। तीन चार चीज़ें लेकर आती हूँ, हाँ मैंने तो घर में ऐसा डाला, हालांकि चीज़ें क्या होती हैं, आइसक्रीम, कोक, इस तरह की चीज़ होंगी फालतू, और मैं कह हाँ मैंने घर में ऐसा डाला, वो पीता भी कौन है, खाता भी कौन है, सिर्फ मैं, कोई भी और नहीं खाता, क्योंकि वो लोग मुझे कहते हैं, मतलब वो लोग तो खाते ही नहीं वो चीज़ें, मामा बाबा। और कोई एग्जाम्पल्स हैं मेंटली डिस्टर्ब वालों के अलावा, कोई एग्जाम्पल दे देना करनी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन पता है मैं पढ़ती यही हूँ ना, तो मेरे आज तक दिमाग में यही आजकल यही चल रहा है, तो मुझे रोज आके बता रही हूँ। हाँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है, तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की चीज़ें सुनना चाहूँगी, वो भी मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लाइक हमारी मैम कहती हैं कि आप ना जब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठती हैं, तो मैं घर में आके इनका दिमाग ख़राब करती हूँ, हालांकि ये लोग मुझसे इतना तंग आते हैं। अच्छा, और मैंने तुमसे ये डिस्कस करना था गाइस, अभी जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ ना इधर पाकिस्तान, खैर आई मीन शिफ्ट हुई मैं कुछ अर्से के लिए, ठीक है, मैं रह रही थी अपनी ये आई मीन भाभी का, किसका घर है, सबका घर है, मैं रह रही थी हमारे घर, ठीक है, अभी तो मैं अभी फ़िलहाल मैं अपनी बहन के घर में फिल्म कर रही हूँ, लेकिन मैं रह रही थी हमारे घर, तो वहाँ पर हुआ ये कि हम लोग बैठे हुए थे, तो एकदम से लोग मुझे कहते हैं कि उठो उठो, वो चमगादड़ आने वाला है, कि चमगादड़ आ गए, आया कि तुम लोग कहते हैं, नहीं मैं बैठी हुई थी, ये लोग मुझे कहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो चमगादड़ आ जाएगा, एंड आई थॉट ये बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि यू नो बच्चे हैं छोटे, तो वो डर जाएंगे कि ओ चमगादड़ आ गए, लेकिन अच्छा कहते हैं हाँ है ना, सच्ची मम्मी चल गई, ये लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लाइक आई वॉज सो श्योर कि देर ट्रोलिंग मी, लेकिन वो ट्रोल नहीं कर रहे थे, पता चला कि इन लोगों के घर में चमगादड़ों ने क्या बताया, बैट्स ने नेस्ट बनाया था, और वो रोज़ शाम को जो जैसी रात होती थी ना, वो नीचे पहुंच जाते थे रोज़, और वो रोज़ आके इनको टेररेज करते थे, एक दफ़ा हमारे होते हुए, एक दफ़ा मैं कमरे में थी, मैं दरवाज़ा खोल रही थी, तो सारी चीज़ हमारे अंदर घुस रहे हैं, तो मैंने कहा दरवाज़ा खोले क्यों नहीं खोल रहे, मतलब कहते हैं बाहर चमगादड़ है, मैंने देखा तो एक्चुअली एक इतना बड़ा बैट जो है घूम रहा था, और बाकी सारे बैट्स तो मेरे भाई ने, जब मेरे भाई आए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने तो मतलब उनका नेस्ट वगैरह ख़त्म कर लिया था, एक बैट रह गया था, और वो हुआ है कि उसने बहुत ट्रॉमेटाइज किया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर एक दफ़ा वो ऊपर था, और मैं मेरी भाई की बेटी नीचे ही आके मुझे कहती है छोटी आनी हम लोगों ने चमगादड़ वो कर दिया, मार दिया, कैसे मारा है, तो मैं बताती हूँ कहानी सुने कि कैसे मारा है। अच्छा लाइक उसका इस कहानी से पहले मैं ये बताती हूँ, बद्रिया जो भी आपको सुनाएंगी, तो मैं लाइक इस कहानी से पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि तब ना आपके लाइक नई मामू इधर आए हुए नहीं थे, उस लाइक वो नेस्ट वगैरह उधर ही था ना, तो मैं और मेरी मामी हम लोग अकेले थे, और कोई लड़का नहीं था उस टाइम घर में, और वो चमगादड़ आ गया, और लिटरली हम दो दिन उस कमरे में गुजारे थे, हम लोग ने खाना पीना सब कुछ उस कमरे में किया था, क्योंकि हम बाहर निकल रहे थे सारा चमगादड़ आ रहा था, तो हम वहाँ से निकले ही नहीं थे। फिर मूविंग ऑन दैट वाली वो वाली स्टोरी जो मैं एना हला ने अभी बताई है, उसमें यह हुआ था कि मेरी मामी आके कहती है ओ वो बदर बदर दोबारा से चमगादड़ आ गया ना, मैंने क्या किया कि मैंने ना जो वैक्यूम मशीन होती है उसका लाइक उसको पकड़ के चमगादड़ को अंदर डाल दिया। नॉट एनिमल अब्यूज़, उसको बाद में हम लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था लाइक जब लड़का आया था, लेकिन हाँ उसको हम लोगों ने, और वो भी लाइक मैंने किया था, और मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर कैसे आई पता नहीं। तुम्हें पता है एक दफ़ा मैं बताती हूँ, मेरे ना अब तुम सोचो मुझे इस बात पे इतनी हैरत होती है, हमारे घर में चूहे थे, ठीक है, तब मेरे पास बिल्ला नहीं था, एक्चुअली मेरा दूसरा बिल्ला था वो कुछ दिनों पहले उसे मर गया था ना, तो चूहे आए हुए थे, और मेरी अम्मा फिर अब्बा अम्मा बहुत तंग आए हुए थे, अंदर वाला क्यों ना क्या, हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है कि ऑब्वियसली इनको तो ख़त्म करना है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी खा रहे हैं, तो बाबा लेकर ग्लू ट्रैप्स, अब ग्लू ट्रैप्स ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर जो चीज़ आएगी चिपक जाएगी,
मैं एक दिन घर आई, पापा नहीं थे, मेरे भाई और मेरी मामा सीढ़ियों पे खड़े हुए, चीखे मारे नहीं चीखे नहीं मारते चीख मारे मैंने झूठ बोल दिया चीखे नहीं मारे लेकिन सीढ़ियों पे खड़े हुए बताए। वो किचन किचन हमारा ऐसे है कि सीढ़ियों से ना एटलीस्ट 2-3 मिनट लगते जाते हुए, लाइक इट्स नॉट राइट नेक्स्ट टू द स्टेयर्स, ठीक है, तो जैसे अच्छा खासा टाइम लगता है सीढ़ियों से उधर जाते हुए। तो मैं किचन में जा रही हूँ, कहते किचन में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? किचन में नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ? कहते चूहा चूहा। मैंने कहा किधर है? कहते ट्रैप। वो फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो जो ग्लू ट्रैप है उस पर चूहा लगा हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है, ही इज़ नॉट अ किड, ठीक है। मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, फिर मैं मामा को देख रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ क्या हुआ इनको, ये चूहे से डर रहे। मैं गई हूँ किचन में, मैंने कहा मैं देखूँगी जाके। मैं गई हूँ, उस बेचारा मुझे इस पर बहुत तरस आया था, वो जो ग्लू ट्रैप है ना उधर ही सिसक रहा था, ठीक है, वो अभी जिंदा था और वो चिपका हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैं उस ट्रैप को उठा के बाहर लेकर गई हूँ और मैंने चूहे को उतारा है पेंसिल से, मैंने पेंसिल से चूहे को उतारा है और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। डोंट टेल मी, आप कॉकरोचेस से डर जाती हैं, लाइक मैं इतनी ज़्यादा, मैं बेचारे मुझे तरस आता है कॉकरोचेस से। मैं क्यों डरती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मुझे बस ना मतलब मैं वो स्टोरी नहीं बता, आपको पता है हमारे हमारा वो जो कज़न था जो कॉकरोचेस को कश्मीर में मार मार के आधी रात को रो रहा था कॉकरोचेस। मैं तो फालतू में कॉकरोचेस को भी मारती, पता है इस बार मैं वजू करती ना तुम लोगों के घर में, तो उधर रात को छोटे छोटे कॉकरोचेस होते थे, मैं नहीं मारती थी क्योंकि मुझे होता था कि मैं मारूंगी मुझे गुनाह मिलेगा। गाइस मैं आप लोगों को ना स्कॉर्पियन की स्टोरी सुनाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे उसके बाद से जो खौफ आया है। मैंने जब मैं कश्मीर गई थी तो एक दफ़ा ना मैंने स्कॉर्पियंस लिए ना 2। असल में मैं उस वक्त बहुत एंटरप्रेन्योरल थी, कि मैं जानबूझ के ऐसे बोला, आई नो हाउ टू से एंटरप्रेन्योरल, ठीक है, एक्चुअली दैट साउंडेड रियल रॉन्ग, एंटरप्रेन्योरल, हाँ सही है, खैर तो तब मैं ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि समबडी टोल्ड मी के यू कैन सेल दिस फॉर लाइक अलॉट, एंड आई डिडंट नो कि आई वाज 14 या 15, मुझे नहीं पता था कि लाइक इट्स अ बैड थिंग कि आप जानवरों को लेके इस तरह की, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल सेल होती है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। दूसरी लाइक मैंने कैसे बात सुनी थी, आई वाज लाइक या लेट्स डू इट, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये भी नहीं पता था कि इट्स मतलब बुरी बात है, एनिमल अब्यूज में ही आता है कि आप लोग इससे उठा के ना उनको वो करो, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हुआ कि मैंने उन दोनों का ना उठा, मैंने 2 स्कॉर्पियंस लिए, मुझे किसी ने ना लाइक यार मेरे लोगों ने बात की सुनी, मुझे उन्होंने 2 स्कॉर्पियंस पकड़ के दिए, मैं जूते के डब्बे में डाल के लेकर आई हूँ उनको रास्ते में मिट्टी के साथ, ठीक है, जूते के डब्बे में मैं स्कॉर्पियंस को गाड़ी में अपनी गोद में बिठा के लेकर आई हूँ। खैर फिर हुआ ये कि आई नेवर एक्चुअली फाउंड एनीवन टू बाय देम, लेकिन ना मेरी उनके साथ अटैचमेंट हो गई थी, लाइक मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए थे अपने बेचारे स्कॉर्पियंस, लाइक 2019 स्कॉर्पियंस जो जिंदगी मुझे कभी अच्छे लगेंगे। तो मैंने ना उनको एक्वेरियम में, पहले वो जूते के डब्बे में थे काफ़ी अर्से, फिर मैंने क्या किया, मैं उनको एक्वेरियम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पानी निकाल के ना तो उधर ही मिट्टी डाल के उधर ही उनके बच्चे हो गए, उनके 3-4 बच्चे हो गए, और वो यार मुझे अच्छे लगते थे अपने बेचारे स्कॉर्पियंस, आई रियली लाइक देम, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ खाते ही नहीं है, क्या खाते हैं, तब इंटरनेट इट वॉज कॉमन होता था, लेकिन इतना शायद मेरे अंदर कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने गूगल नहीं किया, हमारे पास इतना फ़ोन भी नहीं होता, नहीं मेरे पास सैमसंग S5 होता था, जिसमें मैंने जहाँ पे मेरे OLX पैड्स लगाए थे, तो अगर मैं OLX पैड्स लगा क्या पता यार मैंने के पास। खैर फिर क्या हुआ कि फिर ना शायद मैंने गूगल भी किया था मुझे याद है, लेकिन ना मुझे शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो कुछ खा ही नहीं रहे, तो ये तो ऐसे जिंदा रहते होंगे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक आई वाज जस्ट अ चाइल्ड, ठीक है, मैं 14 थी, 15 भी नहीं थी, 14 थी शायद, नहीं 15 थी, ऐसा कुछ था। मैंने क्या किया कि मैंने मिट्टी निकाल दी उसमें से, एंड इट वाज जस्ट स्कॉर्पियंस, एंड दे ऑल डाइड सारे मर के, और उसके बाद मुझे लिटरली रातों को ख्वाब आते थे कि यही स्कॉर्पियन मरूंगी और यही स्कॉर्पियंस मेरी कब्र में मुझे खाएंगे, मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने ना उन स्कॉर्पियंस को मतलब मैंने कभी मुझे कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं उनको निकाल के कहीं पे वो करूँ, मुझे वो जो नहीं होता जैसे आपका अपना कोई बच्चा मर जाता है कुछ हो जाता है, यू जस्ट कैन नॉट प्रोसेस इट। तो मैंने क्या किया, मैंने साइड पे बदल, मुझे बहुत अफसोस हुआ था अपने स्कॉर्पियंस के मरने का। फिर ना मैंने एक्वेरियम हटा के ना ऊपर रख लिया, और मैं उधर ही सोती थी उसी कमरे में, उसी कमरे में ऊपर उस खुला हुआ एक्वेरियम उसके अंदर उनकी मरी हुई लाशें, तो मैं सोती थी। फिर नहीं मैं आई, मेरे भाई आई किसी जिनका एक्वेरियम था, वो आए कहते मेरे एक्वेरियम किधर है, मुझे चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं ना लेना, तो कहते नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं मछली रखूँगा ना। जब उन्होंने एक्वेरियम देखा तो उसके अंदर मरी हुई लाशें, मैंने कहा प्लीज़ इनको गायब करें, मैं नहीं देख सकती इनको, यहाँ से दूर कर दें। और लाइक हम लोग ना वो क्या थी, कबर्ड थी और उसके बाप ने वो रखा हुआ था, और मैं और हसन हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, हमेशा हम उस कबर्ड के ऊपर चढ़ते होते थे, कोई ना कोई चीज़ें ढूंढते रहते थे, ठीक है। जब से आयना हाले ने वो एक्वेरियम रखा था, हम उस कबर्ड के करीब भी नहीं गए थे, एग्जैक्टली उसमें। और मुझे आपके उससे याद आया कि ना एक आई थिंक एक तित्तर होता है, राइट, डू यू नो तित्तर, आपको पता है ना, तो लाइक वो ना मैं मतलब पता नहीं तित्तर बहुत
इतने कॉमन नहीं होते अच्छा तो ना मैं ना कश्मीर में उस टाइम मैं अपनी कश्मीर में थी दादों के पास ठीक है तो उन लोगों के पास ना एक तितर था जो मैंने कह दिया था कि वो मेरा है उसका पता नहीं मैं उसको ना बस मैं आए है अब मुझे ना जानवर नहीं अच्छे लगते मुझे जानवर नहीं अच्छे लगते वो एक ज़माने में बस एक ही कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी थी बस मैं ऑब्वियसली आई डोंट अब्यूज़ देम लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते बस मुझे नहीं आई कैन नॉट हैंडल देम तो वो मैंने ना रखा हुआ था ऑब्वियसली खाना शाना वही देते थे बस उसको मैंने नाम मैंने अपना दे दिया था कि ये मेरा मेरा है मैं एक दिन स्कूल गई मैं एक दिन पता नहीं कहाँ गई और वो पीछे मर गया और उन लोगों ने उसको ज़िबा करके सालन बना लिया मतलब मरने से पहले उसको ज़िबा कर दिया बीमार था वो ठीक है और उसका सालन बना लिया और मैं जब मैं घर आई मैंने अपने तितर को ढूंढा और मुझे मिला नहीं और मैं रो 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 के और फिर मैंने उसी रात को मैंने उसका लेग पीस मैं ना आई एम नोन नोन के अगर मुझे लेग पीस ना मिले मैं रोना शुरू हो जाती हूँ लाइक इवन नानी अब कहती हैं कि ठीक है तो लाइक उन लोगों ने ना संभाल के मेरा लेग पीस रखा हुआ था कि ये अभी नहीं खाएगी ये सुबह खाएगी और मैं इतनी बदतमीज़ हूँ कि मैं रात को रो रो के सुबह उठ के मसी के साथ नाश्ता किया था यार मुझे हमारे बकरे याद आ जाते हैं मुझे गाँव वाले गाइस आप लोगों को मैं बहुत मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ एक दफ़ा ना हमारे पास ना दो बकरे हम कश्मीर गए थे छुट्टियों के लिए दो छोटे छोटे बकरे थे हम उनको चरा रहे थे तो भाई हम लोगों को ड्यूटी दी होती थी इन्होंने कि तुम लोग लेके चले जाएगा तो हम छोटे थे हमें शौक भी था इतने भी क्या हुई होगी 2013 की बात 2012 की बात थी तो आई वाज लाइक 13 ठीक है और तुम लोग 11 तो हम लोग और कोमल अपनी लाइक 15 ठीक है तो हम सब लोग बकरियां चरा रहे हैं अब तुम सोचो दो बकरियां हम लोग चरा रहे हैं और हम लोग जंगल में घुसे हुए अकेले बाद में पता चला उसी जंगल में चीता था और वो एक चीता था उसके दो बच्चे थे एंड हमारे मैं कहती हूँ ये बाकी सब में इतनी अकेले वो हमें लेके चले गए साइड सीन में और चल के देखे चीता और ये सब लोग अपने कैमराज वगैरह उठा के गए ना उससे अभी मुझे होता है कि यार उस वक्त वो चीते इनको इनको नज़र भी आ बच्चे नज़र आए थे बड़ा नहीं नज़र आ था बड़ा नज़र भी आ जाता तो बड़ा तो खा जाता इन सबको कोई हमें खा जाता उनके तो फिर खैर थी वो तो खुद साइड सीन पे गए थे हमें खा जाता एग्जैक्टली और पता है लाइक उधर कश्मीर में ऐसा होता है कि कभी कभार कोई लॉयन कोई चीता कोई ऐसी कोई चीज़ राइनोज कोई ना कोई चीज़ ऐसी ना गुजर रही होती है और लाइक दे आर सो अब इतना यूजुअल हो गया है इतना कॉमन हो गया है कि हाँ सारे अपने घर में से अंदर बैठ के देख रहे होते हैं उसको मैंने वो चीते के बच्चे देखे थे मैंने वो बच्चे भी देखे हुए थे फिर मैंने एक दफ़ा बेयर देखा था प्रॉपर लाइक वो जो नहीं होता ब्राउन वो ब्राउन बेयर वो देखा था वो लाइक और तब मैं तो चीखे मारना शुरू की थी मुझे लगा था कोई जिन है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था क्या है फिर भाईजान उसके पीछे भाग रहे थे ये देखो मैं यही तो बता रही हूँ उसके पीछे भाग रहे थे मतलब तुम सोचो वो हमारे घर की खिड़की हमारे घर के पास से गुजर रहा था मैंने ऐसे भाईजान को बताया कि भाईजान हम ऊपर थे और वो नीचे हमें अपना घर नजर आ रहा था तो उनको मैंने बोला कि भाईजान वो देखें वो क्या चीज़ है भाईजान उसके पीछे ऊपर से ईंट लेके भागे और वो नीचे से उसने इतनी बड़ी छलांग मारी और इतने आगे चला गया था बट वैसे एक ऊपर से ईंट मार भी देते तो क्या होता आपने भाईजान की बात की है इट इज़ सो पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आई याद है भाईजान जब हम लोग इस्लामाबाद भिंडी की साइड पे रहते होते थे भाईजान सॉरी नहीं मैं आई फनी बात है ठीक है हमारे ना लाइक भाईजान ना थोड़े से हैं उनको ना लाइक सोते हुए ऑब्वियसली कोई भी तंग करे तो वो गुस्सा तो ऑब्वियसली हर किसी को आता है तो ना गली में गाने लगे हुए थे और भाईजान सोए हुए उठे हैं भागे और वो स्टेयर से गिरे हैं नीचे सामने उतने जोर से गिरे वो सॉरी आपके बाबा को लेके बैठे हुए पब्लिक में प्राइवेट में तो मैं रोज लेके बैठती हूँ लेकिन पब्लिक में लेके बैठी हुई आई एम सो सॉरी वो बात हंसी लग रही है कि वो बेचारे भागे लेकिन वो इतने जोर से गिरे और वो ऐसे नहीं करना था तो ऐसे हरकत नहीं करनी थी ये किसकी गलती है बाहर के लोग तो अपनी घर में अपनी गली में तो बंदा लगा सकता है जैसे भी गाने लगाने वो उनका मतलब उनकी तो नहीं है लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अच्छा खैर तो अब हम लोग लास्ट पिट पर पहुंच रहे हैं पॉडकास्ट की क्योंकि हम लोगों ने बहुत फालतू बातें कर ली हैं तो अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा ये बात डिस्कस करूँ ब्रदर के साथ कि ब्रदर जब से मैं पाकिस्तान से गई हूँ क्योंकि मैं यूके चल गई थी इधर ही थी तो मैं इसे पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में आई फील लाइक बहुत ज़्यादा चेंज आया है और क्योंकि मैंने शाहवीर जाफरी का जो पॉडकास्ट है विच वॉज अ रियली 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 बिग इंस्परेशन फॉर दिस पॉडकास्ट एज वेल क्योंकि मैंने बहुत अरसे से पॉडकास्ट करना था लेकिन जिस तरह का पॉडकास्ट मैं सोच रही थी वो बहुत अलग था मेरे और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था हम स्टार्ट करेंगे बट वी नेवर स्टार्टेड इट क्योंकि नहीं बन रहा था तो खैर फिर उसका पॉडकास्ट मैंने देखा था और वो अपने पॉडकास्ट में हमेशा बात डिस्कस करता है कि पाकिस्तान हैज़ चेंज सो मच जब से वो कैनेडा मूव हुआ है और आई थिंक वो कैनेडा जब मूव हुआ था वो भी मेरी ही एज का था जब वो मूव हुआ था लाइक टाइम अलग था लेकिन वो मेरी एज का था लाइक वो साल अलग था लेकिन वो अराउंड 9-10 में वो अपने 9-10 के 8-9 में मूव हुआ था तो
आई फील लाइक जब से मैं पाकिस्तान गई हूँ, अभी मैं इस बार आई हूँ ना, मैं हुंसा गई हूँ ट्रिप पर, ठीक है, एंड आई लव द ट्रिप, मुझे बहुत अच्छा लगा था. लाइक दिस इज़ आई एम नॉट इवन सेइंग दिस इन अ बैड वे, लेकिन मैं थोड़ी सी जाके ना मुझे कल्चर शॉक लग गया था कि यहाँ पर तो सब इंग्लिश बोल रहे हैं. लाइक आई वाज अ बिट लाइक ये क्या हो गया, मुझे मायरा खान की वीडियो याद आ गई. मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं लाइक बुरे उसमें नहीं कह रही, नहीं अच्छे उसमें कह रही हूँ, बट मैं तुम्हें वीडियो बाद में दिखाऊंगी. खैर हाउसहोल्ड हाँ, खैर मैं तुम्हें बताना चाहती, क्या बात करती मैं, हाँ मैं अच्छा जब मैं हुंसा गई थी ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कल्चर शॉक लग गया था, स्पेशली क्योंकि ड्रेसिंग भी लोगों की अब चेंज हो गई है. पहले क्योंकि इवन दो लोग वेस्टर्न तो पहनते ही थे शुरू से ही, लेकिन ना जिस तरह के लोग पहले ड्रेसिंग करते थे ना, इट वॉज वेरी, अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है. नॉट सिर्फ आई डोंट मीन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नेकेड हो गई है, आई मीन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है. इन लाइक जो सब यूके में कपड़े पहनते हैं ना सब लोग, लाइक इवन जो मॉडर्स्ट कपड़े यूके के हिसाब से पहनते हैं, ठीक है, लाइक स्किन वगैरह नहीं शो रही, ठीक है, उस तरह के पहनते हैं. लाइक अब लोगों का ना फैशन से टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, एंड आई रियली लाइक दैट. क्योंकि शेयरली शर्ट ही, अभी मैंने पिछले दिन ऐसी शर्ट ली है यहाँ आउटफिटर से, और मैं एक दफ़ा अभी रिसेंटली शर्ट पहन के गई थी, तो मैंने बताया था ना यूके में पहन के गई थी, तो मुझे एक रैंडम बंदे ने रोका था, ही वाज लाइक वेयर इज योर शर्ट, लाइक वेयर इज योर शर्ट फ्रॉम, और फिर मैंने उसको बोला था यार मेरी शर्ट तो पाकिस्तान से, कहता ओ मतलब, कहता है हाँ यार यूके में कुछ मिलता ही नहीं है वो, है ना, अगर तुम्हें पता चल जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, तो मतलब पाकिस्तान का फैशन टेस्ट तो बहुत लाइक वेस्टर्न के हिसाब से, अब लाइक शूज़ वगैरह सब अच्छे इंसानों वाले पहनते हैं, पहले बहुत बुरा था शूज़ के हिसाब से, तो हम बहुत पीछे रह गए थे, और कपड़े वगैरह ना, तो ये चीज़ काफ़ी चेंज हो गई अब लोग, बट मैंने देखा कि ना अब काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्नाइज भी हो गया. नो आई डोंट, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अगर कहें कि शलवार कमीज़ है, अपना अपना बंदे का अपना टेस्ट होता है, सही है, हर चीज़ में, जनरल चीज़ में. लेकिन मैं ऐसी कह रही हूँ कि आप कह रही थी ना कि लाइक शलवार लाइक ये टी शर्ट्स वगैरह इधर से इतनी अच्छी मिलती हैं, तो हम लोग अगर पहले के कपड़े देखें, हमारी शलवार कमीज़ भी देखें, तो पहले इतनी अजीब से मिलते होते थे, तो अभी भी अब बहुत अच्छे हो गए. द थिंग इज उसके हिसाब से आप उठ से कि वो वेस्टर्नाइज तो नहीं होना ज़्यादा, वो तो ईस्टर्नाइज हुआ है, लाइक आई मीन इन द सेंस कि लाइक कपड़ों वगैरह के हिसाब से तो वेस्टर्नाइज हुआ है, विच आई रियली लाइक. और इवन ये है कि चलो शुक्र है कि पाकिस्तान में हमारी लाइक अब होता है कि लोग कोई कोई लोग ना बुरा मानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हो, विच कभी कभी ऑफ भी लगता है कि आप पाकिस्तान में हर वक्त इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, लेकिन ना एटलीस्ट हमारे पास ये क्या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिनके साथ हम लोग बाहर के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. और मुझे ना कभी कभी इस बात पर भी उलझन होती है कि हमारे कोई कोई इन्फ्लुएंसर्स जो है ना इंग्लिश में फिल्म कर रहे होते, बट आई अंडरस्टैंड क्योंकि आपकी सारी ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान की नहीं होती, तो आई गेट इट, लाइक थोड़ा सा अनोइंग भी होता है, बट आई गेट इट. जैसे यार आई फील लाइक हम लोग हमेशा बहुत ऐसे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, तो लाइक मुझे इतना नहीं फील हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी स्कूल में भी सारे हमारे जैसे ही थे, और लाइक बहरिया में भी सारे हमारे जैसे ही थे, बीएनयू में अब मैं गई हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी हर कोई जैसे हम हैं ऐसे ही हैं. लेकिन हाँ जिस आप कह रहे हो कि ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं और ज़्यादा वो करते हैं, वो तो है. जैसे ना इवन बीएनयू में मैंने सुना है कि लाइक पीपल वेयर एवरीथिंग, व्हिच आई ऑब्वियसली मुझे तो शी से लाइक मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूं, आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड और अ गुड वे, क्योंकि लुक एट व्हाट आई एम वेयरिंग, ठीक है, मैं ना बुरे उसमें कह रही हूँ ना अच्छे उसमें कह रही हूँ, बट मैंने देखा है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा ना हो गए वेस्टर्नाइज इन द लाइक क्लोथिंग की सेंस में, बातचीत की सेंस में, और भी काफ़ी चीज़ों का, जैसे हैलोवीन इतनी कॉमन हुई है, और मुझे मतलब मुझे इस बात पर थोड़ा सा होता है कि फाइन हैलोवीन चलो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपके ना कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो मतलब वो लोग कर रहे हैं, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि चलो हैलोवीन है, ठीक है, बट अगर आपने ये इतना ही अगर आपने सबको इंक्लूसिविटी का आपको इतना ही शौक है, तो आपके तो इतने हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, दिवाली तो हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते, लाइक इट्स नॉट अ बैड, हम होली करते हैं, पता है क्यों, मैं यही दैट इज़ माई प्रॉब्लम, मुझे मसला ये है, हम होली करते हैं, हम हैलोवीन करते हैं क्योंकि ये कूल है, हम बाकी चीज़ें हम एक्चुअली इंक्लूड हमें एक्चुअली इंक्लूड करने का शौक नहीं है लोगों को, हम बस कूल कूल चीज़ें जो है ना यही हम कूल कूल चीज़ें हम फन फन चीज़ें हैलोवीन में आप सबकी तरह ड्रेसअप कर सकते हो, होली पे एक दूसरे पे कलर लगा सकते हो, हम सिर्फ कूल कूल चीज़ें करते हैं, हम एक्चुअली इंक्लूड नहीं, एक तो इंक्लूसिविटी, एक तो अंडरस्टैंडेबल कि अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो करो, लाइक हाँ दिवाली भी है, दिवाली भी कूल है, लाइक मतलब ऑफ कोर्स लाइक मुसलमान हाँ कंट्री है, हम तो नहीं करते, और आई अंडरस्टैंड मुस्लिम तो नहीं करते, बट इन अ कल्चर लाइक अगर आप रिलीजन को हटा के देखो तो इट्स स्टिल कूल, ठीक है, जस्ट बिकॉज अगर कोई और करता है वो है कूल लगता है, डजेंट मीन के अब जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम डजेंट मीन तो आपको कहो अस्तगफिरुल्लाह बहुत वो है, ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते हर बंदे को कहो भाई अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा थोड़ी चलता है.
ठीक है, आप अपना रिलीजन अपनी जगह रख के दूसरों को कह सकते हो कि अच्छा ये चीज़ कूल लग रही है, ठीक है। या ऑब्वियसली जिस तरीके से अब हमारे मुस्लिम में भी जैसे लाइक कितने हम लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक कि किस किस चीज़ में डिवाइड किया हुआ है, ऑब्वियसली सबको पता ही है कि हाँ, तो लाइक उसमें ये होता है। तो हम लोगों को लेकिन जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं ना, हम लोग हर चीज़ से ओके हैं। हाँ। पता है लाइक वो जो ज़्यादा जिस तरह हमारे घर में भी कभी किसी ने नहीं कहा कि ओ शिया दोस्त नहीं बनाना या सुन्नी दोस्त नहीं बनाना बेटे। या लाइक बेटे तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊँगी कौन कहता था, लेकिन तुम्हारी सोच है। ये चीज़ ज़्यादा कॉमन हुई थी थोड़ी सी, एक तो एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास इस्लाम की नहीं है, तो थोड़ी सी जब इस्लाम की एजुकेशन आना शुरू हुई थी उसके बाद ज़्यादा कॉमन हुई थी कि इट्स फाइन टू मेक शिया फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे शिया फ्रेंड्स थे क्योंकि फरवा शिया थी, ठीक है, मेरे और भी शिया फ्रेंड्स थे, उसके बाद जाके चीज़ कॉमन हुई थी, उससे पहले नहीं थी चीज़ कॉमन। जहरा शिया है, ठीक है, उसके बाद जाके चीज़ें कॉमन हुई थी, वरना हमें पहले कहते थे कि नहीं करो, वो कहते थे कि खाने में थूकते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं। वैसे मुझे तो शुरू से बात होती थी कि आई नो फॉर अ फैक्ट इट्स रॉन्ग, ठीक है। और हम मैं यही कह रही हूँ, जैसे मैं और हसन है ना, हमारे ऊपर आप दो जनरेशन थे, कोमल और आप थे, मतलब कि जैसे कि बेशक बड़ी हैं, लेकिन यू नो आप हर वक्त हर चीज़ में आप स्टैंड लेती थी। अगर हम लोगों को पहले बाहर जाना नहीं अलाउड होता था, तो ऐना हला ने वो सारा झेला हुआ था, तो हम लोगों को जाके जाना अलाउड होता था, राइट। तो इसी तरह कोमा हला के साथ भी था, इवन लाइक कोमा हला ने भी कितनी ज़्यादा सारी वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लाइक बेयर की हुई है हम लोगों के टाइम पे। जैसा अभी मैं हूँ लाइक मुझे तो किसी चीज़ की भी रुकावट नहीं है, लाइक मेरे नाना वो मुझसे कुछ भी नाना वो कुछ भी नहीं पूछते मैं जब जाऊँ जा, लाइक हम तो बड़े हो गए ना, बड़े हो गए लाइक मेरी मतलब हमारे टाइम पे ही कोमाला थी ना, जिस टाइम लाइक कोमाला के साथ वो सारा हो रहा था लाइक उस टाइम पे, हाँ यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन, हमसे ऊपर जो जनरेशन है उनने सारा कर लिए बेयर, तो हमारे टाइम पे हम सारे चेले। एनीवेज मुझे लगता है बहुत फालतू बातें कर दी हैं, बहुत ज़्यादा एक टॉपिक अभी तो ये मेरे साथ ये बैठी हुई है, अगर मेरी अपनी वो दोस्त बैठ जाती ना, मतलब मेरे दो दोस्त हैं, वो बैठ जाती ना एक टॉपिक में 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होनी थी, बहुत बदली होने थे टॉपिक्स। और हम लोग एक दूसरे, मेरी दोस्त और मैं तो एक दूसरे को काटने हैं, हम तो नहीं बोलने देते, लेकिन हमने दिया एक दूसरे को टाइम। एनीवेज गाइस, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, और तुम कुछ बोलो, बाय बाय।